गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, आई एम योर हिंदी टीचर। टुडे आई विल टीच यू हिंदी। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट पढ़ाऊंगी बेटा। ओपन योर बुक, पेज नंबर 78 निकालिए। जैसे कि चैप्टर 10 चल रहा था आपका बेटा, लेक्चर 2। देखिए, उस आदमी से तेज हवा में चल पाना भी कठिन हो रहा था। बच्चों, जैसे कि जब हवा तेज चलती है तो चलना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वह एक पेड़ की ओट में बैठ गया। हवा उस आदमी का कंबल नहीं उतरवा सकी। बच्चों, हवा उस आदमी का कंबल नहीं उतरवा सकी। उसका समय समाप्त हो चुका था, अब सूरज की बारी थी। बेटा, हवा की बारी तो ख़त्म हो गई थी क्योंकि उसका समय जो था वो समाप्त हो चुका था। अब किसकी बारी थी? सूरज की। सूरज ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। सूरज तेज चमकने लगा। धूप तेज होने के कारण उस आदमी को गर्मी लगने लगी, उसे पसीना आने लगा। बेटा, जैसे कि नॉर्मल सी बात है, जब गर्मी ज़्यादा होती है तो पसीना आता है ना। थोड़ी ही देर में उस आदमी ने अपना कंबल उतार कर अपने कंधे पर रख लिया। और बेटा, जब गर्मी ज़्यादा उसको लगने लगी तो उसने अपना कंबल उतार कर अपने, ये देखिए चित्र में, ये इसने अपना कंबल उतार के अपने कंधे पर रख लिया। ठीक है, यह देखते ही हवा का घमंड टूट गया। उसने अपनी भूल स्वीकार करते हुए सूरज से कहा कि वास्तव में तुम ही अधिक ताकतवर हो। और बेटा, हवा ने सूरज से क्या कहा कि तुम ही अधिक ताकतवर हो। बेटा, अब आपको होमवर्क में क्या करना है वो मैं बताती हूँ। बच्चों, पेज नंबर 79 निकालिए। होमवर्क में आपको ये शब्दार्थ अपनी फेयर नोटबुक पर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, अपनी फेयर नोटबुक पर हिंदी फर्स्ट की आप चैप्टर नेम डालेंगे, कौन सा चैप्टर है आपका, और हेडिंग डालेंगे शब्दार्थ। और फिर ये शब्दार्थ दिए हुए हैं, बहस, बहस का अर्थ होता है झगड़ा। ठीक है, ओट पीछे, शक्ति ताकत, तूफान तेज हवा, घमंड अहंकार, भूल गलती। ठीक है, ये आप होमवर्क में शब्दार्थ कंप्लीट करेंगे, अपनी फेयर नोटबुक पर लिखेंगे। ओके, लेक्चर 2 कंप्लीट। थैंक यू क्लास।